फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं टमी कम करने के लिए एक्सरसाइज बता रही हूँ। कुछ पोजेस हैं जो देख लीजिए। टमी एकदम उससे कम होगी, उसमें आपको कम से कम स्टे करना है 30 सेकेंड्स। आप बिगिनर्स हैं तो 10 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आपको करेंगे तो आपकी टमी बहुत जल्दी अंदर चली जाएगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, टमी की बहुत डिमांड आ रही थी, मैंने बहुत दिन से टमी फेट के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले अपन करेंगे ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन। ऊपर वाले हाथ को देखिए, मिनिमम 30 सेकेंड स्टे। अदर साइड, ओके फ्रेंड्स। सेकेंड कोबरा पोज, भुजंगासन। दोनों हाथ चेस्ट की साइड में रख लीजिए, पैर आपके डाउन रहेंगे ऐसे। ब्रीथ इन कीजिए, आंखें बंद, ब्रीथ इन अप। पूरे हाथ सीधे नहीं हो जाए तब तक उठिए, ऊपर देखिए, ब्रीथ आउट, डाउन। आपको 10 सेकेंड स्टे करना है और उसके बाद आपको 10 टाइम्स इसको रिपीट करना है, ठीक है? अब देखिए, प्लेन प्लैंक, दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए, दोनों पैरों के पंजे पे आ जाइए, टोज पे, और सामने देखिए, हाथ ऐसे बांध लीजिए, फिंगर्स नॉक, सामने देखिए। कम से कम आपको इसमें भी 30 सेकेंड स्टे करना है और 3 बार इसको रिपीट करना है। चेंज साइड प्लैंक, दोनों पैर साइड बाय साइड रख लीजिए, एक हाथ यहां रख लीजिए, एक हाथ ऐसे रहेगा, इस हाथ पे आपको लोड देके उठना है, धीरे से बैलेंस बना के हाथ भी उठा दीजिए और ऊपर देखिए। इसमें भी आपको 30 सेकेंड रुकना है। अदर साइड से पांव साइड बाय साइड, एक हाथ यहां पे, एक हाथ यहां पे, बॉडी पूरी स्ट्रेट और अप। देखिए, आपके गैप हो जाना चाहिए नीचे से इतना। ऊपर वाले हाथ को देखिए, 30 सेकेंड से स्टे, ठीक है? अब इसके बाद बोर्ड पोज देख लीजिए, नौकासन। देखिए, सभी सिर्फ टमी कम करने वाली एक्सरसाइज है, लेकिन इसके साथ साथ आपका बहुत सारी चीजें ठीक होंगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी, थाइस फैट और हिप फैट ये सारा आपका जाएगा, और अगर ये नहीं है आपके फैट तो आपकी बॉडी टोन होगी, फॉर्म में रहेगी, ठीक है? अब ये देखिए, बहुत अच्छी चीज है, दोनों पांव मिला लीजिए, उठाइए, दोनों हाथों से पीछे सपोर्ट दीजिए। देखिए, अगर आप बैलेंस बना सकते हो तो हाथ को उठा दीजिए धीरे से, और नहीं तो सिर्फ पांव को ही आप ऐसे रखिए, हाथ पीछे टच करके रख सकते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है बोर्ड पोज, इसमें भी आपको 30 सेकेंड स्टे करना है और 3 बार रिपीट करना है, ठीक है? अब देखिए, इसके बाद देख लीजिए वीरभद्रासन। देखिए, जैसा कि नाम से है, ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। एक पांव पीछे चला जाएगा, एक पांव आगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के हाथ जोड़ लेंगे और पीछे देखेंगे, ऊपर देखेंगे। इसमें भी आपको 30 सेकेंड स्टे करना है, फिर दूसरे पांव से कर लेना है। इसमें रुकिए आप, पीछे के पांव को नीचे जाने दीजिए, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में बैलेंस बनाइए, ऊपर देखिए। तो ये फ्रेंड्स कुछ आसन थे। इसके बाद आप प्राणायाम में कपालभाति कर लीजिए, बहुत बेस्ट है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करती है और आपका वेट कम होता है इससे, ठीक है? देखिए, दोनों उसमें पांव आप ऐसे रख लीजिए, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए आराम से, दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए, ये हार्ट की मुद्रा बना लीजिए ऐसे,
और नाक से सांस को सिर्फ फेंकना है। देखिए इसको आप जितना धीरे करेंगे स्लोली इतना आपके लिए अच्छा है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। पेट और ये नहीं हिलाना है, ये सिर्फ अपने आप ही हिलते हैं जो नेचुरली, वो ठीक है। बाकी आपको सांस सिर्फ फेंकना है दोनों नोस्ट्रिल से। तो ये फ्रेंड्स आज का सेशन था टमी फेट कम करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपकी नॉर्मल होंगी, कम होगा, इंटरनल फेट भी आपका कम होगा, इंटरनल पार्ट्स पे जो चर्बी जम जाती वो भी पिघलेगी, और आपके हाथ भी टोन होंगे, आपका सारी बॉडी फॉर्म में आ जाएगी, सारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, सारी बॉडी स्ट्रांग होगी, मसल्स फ्लेक्स होंगे और टाइट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टाइट पड़ चुके मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका लंग्स का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।